ये कोरोना में खूब भर भर के परसेंट बनी है और मैंने नहीं देखा कि इस वैकेंसी में कुछ उनके लिए अलग प्रावधान कर। आराम से मार्कशीट बनवाओ, फर्जी मार्कशीट, और उसमें आराम से फिर अपना फॉर्म भरो और फिर नौकरी ले जाओ। परसेंटेज के आधार पर भी तो वो पहले बनाना मुश्किल था, अब की तुलना में तो वो लोग इसमें रेस में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। मेरा नाम है नवीन जांगड़ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट GDS के बारे में, जिसकी योग्यता 10वीं पास रहती है और सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहती है परसेंटेज के आधार पर, यानी आपके 10th में कितने परसेंटेज के आधार पर आपको नौकरी इसमें दे दी जाती है। 2-3 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ इसकी वैकेंसी आ रही है, कभी 40,000 पदों पर, कभी 30,000, कभी 20,000 पदों पर इसकी वैकेंसी आ रही है। यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि आज के इस टाइम में बेरोजगारी को देखते हुए और जो गफलेबाजी होती है उसको देखते हुए क्या परसेंटेज के आधार पर इतने ज़्यादा पदों पर नौकरी देना ठीक है? क्योंकि परसेंटेज बनवाना, मार्कशीट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पैसे देकर किसी भी बोर्ड से आसानी से बढ़िया परसेंटेज की मार्कशीट बना सकता है। और 2-3 साल से लगातार जब मैं इसकी कट ऑफ दे रहा हूँ तो STSC की इसकी कट ऑफ मिनिमम जो जाती है ना STSC की, वो जाती है 95, और जनरल और OBC की तो मैं कई जगह तो देखता हूँ कि वहाँ पर कट ऑफ 100 से कम ही नहीं आती। ठीक है, तो फर्जी मार्कशीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं। उसके अलावा अगर फर्जी मार्कशीट नहीं भी बन रही है तो अगर आप देखेंगे कि 2015 से पहले अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम परसेंटेज बनाना तुलनात्मक रूप से अभी बनाने की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। उस टाइम 80% बनाना, 85% बनाना आज की 90 और 95% के बराबर है। इस तरीके से देखते हुए तो वो लोग जो 2015 से पहले के पड़े हुए हैं या 2018 से पहले, कोरोना से पहले के पड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये जो वैकेंसी वो तो इस दौड़ में ही नहीं है कि वो इस वैकेंसी का फॉर्म भर सकें और इसमें नौकरी ले सकें। और जो अभी कोरोना में बनी है, कोरोना में खूब भर भर के परसेंट बनी है और मैंने नहीं देखा कि इस वैकेंसी में कुछ उनके लिए अलग प्रावधान कर रखा है कि इनके लिए इतने मार्क्स कटेंगे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना में भर भर के 100% बनी है बच्चों के, तो वो सब इसके लिए एलिजिबल है और ये वैकेंसियाँ सारी ऐसे बर्बादी में जाएगी। ठीक है, मेरी मांग यहाँ पे सरकार से ये है कि इस वैकेंसी के लिए प्रॉपर एक एग्ज़ाम होना चाहिए और जो लोग योग्य हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस वैकेंसी में पहले नौकरी दी जानी चाहिए। अलावा जो चीटिंग है वो तो पेपर्स में भी हो सकती है लेकिन उसमें तुलनात्मक रूप से कम होगी। यहाँ पे पूरा समय मिलता है कि आप आराम से मार्कशीट बनवाओ, फर्जी मार्कशीट, और उसमें आराम से फिर अपना फॉर्म भरो और फिर नौकरी ले जाओ। ठीक है, तो इसको रोकना चाहिए, एग्ज़ाम में चीटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए प्रॉपर एक एग्ज़ाम होना चाहिए। तो सरकार तो जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएगी वो तो बोल देंगे कि हमने डाक विभाग में 1 लाख नौकरियां दी, लेकिन वो 1 लाख नौकरियों के लिए जो बच्चे बेरोजगार हैं काफ़ी लंबे समय से, वो तो उसकी रेस में ही नहीं है। तो मेरी मांग यहाँ से सरकार से ये है कि इसके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि इस वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम होना चाहिए तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।